हम क्या रह जाती है जिंदगी जब जम के बरसती है पुरानी यादें। गैस कीजिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जिंदगी जी नहीं ये यादें। याद क्या चीज है? याद किस तरीके से हमारे बॉडी में डेवलप होती है और कैसे हम यादों को याद रखते हैं और काफी सारे यादें भूल भी जाते हैं। आइए जानते हैं यादों के बारे में। मेमोरी या याद ये एक हमारे जिंदगी के ऐसे हिस्से हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें नोटिस करते हैं, जिनको रिएक्ट करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। तो इस मेमोरी को डेवलप करने वाला हमारे बॉडी का हिस्सा है जो कंप्यूटर की तरह है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो हमारी यादें या मेमोरी को डेवलप। ब्रेन या हमारा दिमाग, आप सब तो जानते ही होंगे कि ये हमारे सर के हिस्से में होता है, ये हमारे स्कल के अंदर होता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन 1.2 केजीज का होता है। ब्रेन के अंदर ऐसे कौन सी स्पेशल चीजें हैं जो मेमोरी को डेवलप करती हैं या हमारे यादों को स्टोर करके रखती है? जैसे हमारी बॉडी अलग सेल्स से बनी हुई है, वैसे ही ब्रेन स्पेशलाइज सेल्स से बना हुआ है जिसे नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स एक आपस में कनेक्ट होकर एक न्यूरल पाथ बनाते हैं। ये न्यूरल पाथ सिनेप्स की शक्ल में हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक वायर्स जब एक आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या एक नेटवर्क जो बन जाता है, उसी की शक्ल में सिनेप्स बनके हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होते हैं। मेमोरी किस तरीके से फॉर्म होती है? मेमोरी फॉर्म करने के 3 प्रोसीजर्स होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, हमें वो इंटरेस्ट जगाती है या कोई चीज को हमारा बॉडी परसीव करता है, हम कोई चीज समझते हैं, तो जब ये जाके हमारे बॉडी के ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है और ये सारी समझदारी उस चीज के बारे में, चाहे वो कलर में हो, साइज में हो या कोई फीलिंग्स हो, एक्सप्रेशंस हो, ये पूरे एनकोड होके हमारे ब्रेन को इम्पल्स देते हैं और ये जब जाके एक साथ कंसोलिडेट होते हैं, यानी कि एक साथ इकट्ठा होके कलेक्ट होके जाके हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, जो है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिट्रीवल। रिट्रीवल यानी रिकलेक्शन, या कोई चीज को हम याद रखते हैं तो इस चीज को रिकलेक्ट करते हैं या दोबारा उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें याद आ जाती है। रिट्रीवल फेज जो मेमोरी फॉर्मेशन का होता है, ये हमारे रिपीटेड रिविजन या बार बार रिकलेक्ट या बार बार उसी को सोचने के बाद डेवलप होता है। बहुत हो गई बायोलॉजी, चलो जानते हैं और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। टाइप्स ऑफ मेमोरी इंटरमीडिएट मेमोरी होती है या इनिशियल मेमोरी। इंटरमीडिएट मेमोरी या इनिशियल मेमोरी मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड तक होती है, बहुत कम दिलचस्पी जगाने वाली चीजों की होती है और हम बहुत जल्दी उसे भूल जाते हैं। दूसरी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो काफी कम समय तक हमारे ब्रेन में रहती है, हम कुछ वक्त के बाद उसे भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल में बच्चे हैं, अपना एग्जाम पढ़ रहे हैं या कोई चीज ऐसे याद रख के एग्जाम उन्हें देना हो या ऐसी कोई चीज जो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रही हो, तो शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे समय के लिए हमारे ब्रेन में वो रहती और फिर निकल जाती। सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी होती है जो हमें हमेशा याद रहती है, हमारे ब्रेन में परमानेंटली रह जाती है और हम उसे जल्दी भूल नहीं पाते, क्योंकि वो मेमोरी काफी सालों तक चलती रहती है। जैसे कि हमारा नाम हो, हमारा सरनेम हो, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो या हम कहाँ रहते हैं, ये सारी मेमोरीज परमानेंट या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मानी जाती है। इसे हम रिकॉल भी कर सकते हैं, रिहर्सल भी कर सकते हैं और भूल भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एज 16 से 26 साल एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसमें हम चीजों को मेमोराइज या याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 16 साल के नीचे की एज में हम कोई चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन उस एज में यानी कि 16 साल की कम एज में हमारे ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप करती है, तो हम जरूर चीजों को याद रखते हैं बट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सेकेंड इंट्रिंसिक फैक्टर है मैच्योरिटी, जो एज के साथ इंक्रीज होती है, यानी कि हम जैसे ही हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी यानी मेमोरी फॉर्म करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तीसरा है विल टू लर्न। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर कोई चीज हमें बहुत ज्यादा रुचि करती है या बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट है उस चीज में, तो वो चीजें हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज का स्पोर्ट है या समझो फुटबॉल है, ऐसा कोई गेम है जिसे हमें बहुत रुचि है उस चीज का, तो उसके रूल्स, रेगुलेशन, उसे किस तरीके से खेलना है, हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इंटेलिजेंस या आईक्यू,
जितना IQ ज्यादा होता है उतना इजी होता है हमें उसे याद रखने। नॉर्मल IQ 90 टू 110 होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसे टाइप का फैक्टर है जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तौर पे होता है और हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हमारी बॉडी या ब्रेन को इफेक्ट करें। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इंटरनल जो हमारे हाथ में नहीं होता जो हमारी मेमोरी को इफेक्ट करता। सबसे पहला फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिसमें है मीनिंग ऑफ मटीरियल यानी कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई लैंग्वेज या ऐसी कोई चीज जो हमें समझ ही ना आए। फॉर एग्जाम्पल कोई अल्फाबेट्स हो जो चाइनीज में लिखे हो तो वो हमें समझ ही नहीं आएंगे तो वो हमारे मेमोरी में बिल्कुल स्टोर नहीं होंगे। अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल अगर एक बुक हो जो 500 पेज की हो और एक दूसरी बुक हो जो सिर्फ 30 पेज की हो तो बड़ी बुक जो है उसे हमें समय लगेगा याद रखने हमारे मेमोरी में रखने और छोटी बुक या 30 पेजेस की बुक हम इजीली उसे अंडरस्टैंड करके लर्न करेंगे। थर्ड फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी अगर हमें कोई ऐसी चीज तकलीफ पहुंचा रही हो या हम याद नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस चीज पे नहीं है। चौथा है टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज अ रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बहुत बड़ा हो तो हमें काफी समय लगेगा उसे याद रखने याद करने या मेमोराइज करने और अगर वो चीज छोटी होगी तो हम बहुत जल्दी उसे याद कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्टर है रेस्ट एंड स्लीप। स्लीप में हमारा ब्रेन रिपेयर होता है इसीलिए हमें कम से कम 6 to 8 hours ऑफ स्लीप लेनी चाहिए ताकि हमें चीजें इजिली मेमोराइज हो सके। क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन कौन सी मशीन से कंपेयर किया जाता है? यस द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए क्योंकि ठीक कंप्यूटर की तरह ही हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन जो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में और हमारे ब्रेन जो इंफॉर्मेशन हम देखते हैं उसी को एक्सेप्ट करता है उसकी कोडिंग करता है और उसे सेव और स्टोर करता है। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा हिस्सा है हमारे ब्रेन में जो ये कोडिंग या ये इस चीज को प्रोसेस करता है। जी हाँ, इसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे दोनों कान के साइड में ऊपर में डीप विद इन द ब्रेन होता है साइड या टेम्पोरल जोन ऑफ ब्रेन। हिप्पोकैम्पस एक्चुअली देखा जाए तो हमारे ब्रेन का एक किचन है यानी कि जो भी हम देखते हैं सोचते हैं सुनते हैं फील करते हैं या समझते हैं हिप्पोकैम्पस उसे रिसीव करके उसे ख्यालों में या मेमोरीज में मेक करता है या फॉर्मेशन करता है। हिप्पोकैम्पस में मेमोरी फॉर्म होने के बाद ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में जाके स्टोर होती है। हिप्पोकैम्पस हमारे मेमोरी को स्टोर नहीं करता सिर्फ फॉर्म करता है। इसीलिए जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है वही हिप्पोकैम्पस के थ्रू जाती है और हमारे ब्रेन में स्टोर होती है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हिप्पोकैम्पस तक नहीं पहुंच पाती। जैसे हमारे घर में अलग कमरे होते हैं जो कमरों में हम अलग अलग चीजें स्टोर करते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स या कमरे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स के। फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल लोब यानी सामने का हिस्सा हमारे आंखों के ऊपर का हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सोचने के लिए हमारे बोलने के लिए ये सारे इमोशन से जाकर मेमोरी डेवलप। उसके बाद नंबर आता है साइड्स में यानी कि कानों के ऊपर उसे कहते हैं टेम्पोरल लोब जो सुनने में काम आता है काफी हद तक फीलिंग्स भी डेवलप होती है और लर्निंग के लिए। उसके बाद आता है पैराइटल हिस्सा यानी कि ऊपर का हिस्सा जिसे लैंग्वेज या टच हमारा ब्रेन समझ पाता है। उसके बाद पैराइटल हिस्से के नीचे आता है ऑक्सिपिटल हिस्सा जो हमारी आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हम अलग अलग कलर्स और विजन हमारी ऑक्सिपिटल लोब से डेवलप। सबसे लास्ट और सबसे छोटा हिस्सा होता है सेरिबेलम जो हमारे बैलेंस कोऑर्डिनेशन और चलने फिरने के काम आता है। हिप्पोकैम्पस के आगे की ओर एक छोटा सा गोल हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। एमिग्डाला हमारे इमोशंस को रेगुलेट और प्रोसेस करता है जैसे कि हम अगर गुस्सा होते हैं या हमें कोई चीज का भय या डर होता है तो एड्रेनालिन सिक्रेट होता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन एमिग्डाला को एक्टिवेट करता है और हिप्पोकैम्पस को एनकोडिंग करने या हमारे इस इमोशन को प्रोसेस करने में मदद करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एमिग्डाला हमारे इमोशनल इवेंट्स या हमारे जो भी इमोशंस हैं उसको रेगुलेट और प्रोसेस करता है हिप्पोकैम्पस की ओर। हिप्पोकैम्पस उसे फॉर्मेशन करता है मेमोरी में और ब्रेन के हिस्से में स्टोर करता है। आपने हेनरी मेडिसन के बारे में तो सुना ही होगा जो 13 इयर्स ऑफ एज में बाइसाइकिल चलाते वक्त गिर गए। गिरने के वजह से उनके ब्रेन में बहुत गहरी चोट आई थी। उस चोट के चलते उन्हें काफी फिट्स और सीजर्स लगातार आ रहे थे
काफी सारे ट्रीटमेंट्स के बावजूद उनका बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में डॉक्टर ने हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया। उसके बाद ये नोटिस किया गया कि हेनरी बलाइजर काफी सारी चीजें भूलने लगे। बेसिकली वो भूल नहीं रहे थे, वो न्यू मेमोरीज या नई चीजों को समझ के याद नहीं रख पा रहे। पुरानी चीजें तो उन्हें जरूर याद रह रही थी, बट नई चीजें वो डेवलप नहीं कर पा रहे। जब जाके ये चीज का रिसर्च हुआ कि हिप्पोकैम्पस है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे ब्रेन का, जो हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करता है। इसी के साथ में हमारा मेमोरी का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। और आने वाली हूँ काफी इन्फॉर्मेटिव मेमोरी के वीडियोस को लेकर, जैसे कि हम हमारी मेमोरी को ताजा कैसे रखें, हमारे ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें और हम चीजों को कैसे ज्यादा देर तक याद रखें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चीजों को जानना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे मेमोरी को लेके नए फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए माइंड योर बॉडी बाय डॉक्टर।